मेरा डोर बेसिकली हम लोग आज ट्राई कर रहे हैं अमूल का प्रोडक्ट। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अमूल का डिस्प्ले लगाया हुआ है और आज हम लोग सिंपल एंड होममेड रेसिपी हम लोग ट्राई करेंगे, अमूल चीज़ एंड जालापेनो ब्रेड प्रोडक्ट। उसके लिए काफ़ी हमारे पास अमूल का प्रोडक्ट है जो आप लोग तो देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग आज यूज़ करने वाले हैं अमूल चीज़ यूज़ करने वाले हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे ग्रेड करके रखा है। उसके लिए लगने वाला है आपको जालापेनो चॉप, जिससे बेसिकली ये जालापेनो एक मैक्सिकन चिली है जो बहुत स्पाइसी रहती है, ठीक है। एंड कोरिएंडर, रोस्टेड जीरा, अमूल चीज़ एंड ब्रेड स्लाइस हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा धीमे अंश में हम लोग ऑयल रखेंगे, जो इसके लिए हम लोग को डीप फ्राई करने के लिए ऑयल लगेगा। और सबसे पहले हम लोग बनाएंगे मिक्सर। मिक्सर में हम लोग डालेंगे अमूल चीज़, अमूल चीज़ ऐसा चीज़ है जिसके अंदर आपको सॉल्ट भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा हल्का रोस्टेड जीरा पाउडर, जो हम लोग जीरा को थोड़ा हल्का रोस्ट करके उसको हल्का क्रश करते हैं, उसके बाद में हम लोग डालने वाले हैं उसके अंदर जालापेनो। आपको जैसा स्पाइसी चाहिए रहता है, आपको कम स्पाइसी चाहिए रहता है या ज़्यादा स्पाइसी चाहिए रहता है, वो हिसाब से हम लोग कर सकते हैं उसको। तो हम लोग को स्पाइसी चाहिए, हमने 2 स्पून उसके अंदर डाला है। थोड़ा कोरिएंडर लीव्स और हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से उसको मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं काफी बढ़िया है। अब जितना चाहिए उतना बना सकते हैं। जैसे कि आप आपके घर में अगर 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, उस हिसाब से आप बना सकते हो। आपको 2 बनाना है, 4 पीस बनाना है, उस हिसाब से आप बना सकते हो। यहाँ पे हमारा मिक्सर रेडी हो रहा है, हम उसका छोटा छोटा राउंड नहीं, हम लोग उसको थोड़ा फिंगर्स बनाएंगे। जैसे कि हम आप देख रहे हो, काफी बढ़िया है। आप देख सकते हैं जैसे हम लोग, आपको चाहिए 2 बनाना है, 4 बनाना है, 5 बनाना है, आप कर सकते हैं वैसा। टाइमिंग की बात की थी सब बना। काफी बढ़िया मिक्सर बना है।
इसके बाद में हम ब्रेड स्लाइस लेंगे, ठीक है, एंड ब्रेड स्लाइस को हम लोग थोड़ा कट करेंगे। हमको कितना ब्रेड स्लाइस चाहिए, एक चाहिए, अगर एक रहेगा तो एक ब्रेड स्लाइस, दो रहेगा तो दो ब्रेड स्लाइस, तीन रहेगा तो तीन ब्रेड स्लाइस, ठीक है। और ये ब्रेड स्लाइस भी आपको अमूल के प्रोडक्ट का भी अच्छा ब्रेड स्लाइस रहता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, कहीं भी आपको इजीली अवेलेबल होता है, जैसे अमूल चीज़ हो गया, ब्रेड्स हो गया, जालेपिनो है, आपके पास अगर जालेपिनो नहीं है तो आप अपने घर में जो हरी मिर्ची आती है वो हम यूज़ कर सकते हैं उसको, वो भी काफ़ी बढ़िया रहता है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि ब्रेड्स हम लोग लेंगे, दो तीन ब्रेड्स लेंगे, ठीक है, उसको साइड अच्छी तरह से कट करेंगे हम। अभी ये स्लाइस कट हो चुका है, अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बोल्स में एक पानी लेंगे जो हम ब्रेड को थोड़ा सोक करेंगे, सोक करने के बाद उसको हम लोग बाइंड करेंगे, ठीक है, बाइंड करके उसको रखेंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद हमारा जैसा ऑयल जैसा हीट होता है, ऑयल नॉर्मल ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, घर में जो ऑयल यूज़ होता है, वेजिटेबल्स ऑयल जो हम लोग फ्राई के लिए यूज़ करते हैं, कोई भी ऑयल उसमें यूज़ होता है। तो ये है अपना ऑयल रेडी हो रहा है, यहाँ पे गरम हो रहा है, तो हम अभी बनाएंगे ब्रेड। हमने ब्रेड को हल्का सा पानी में सोक कर लिया है, ठीक है, और उसका पानी निकाला हुआ, जितना हो सके उतना पानी हम निकालेंगे उसका। उसके बाद में हम लोग जो चीज़ का टिक्की बनाया हुआ है, जो बेसिकली हम लोग इसके अंदर बाइंड करेंगे, उसको अच्छी तरह से आप अगर बाइंड करते हो तो जो चीज़ निकलने का चांसेस नहीं रहता है बाहर, ठीक है, हम लोग उसको अच्छी तरह से बाइंड कर रहे हैं। बाइंड हो चुका है, इसको हम लोग कट्स करेंगे थोड़ा, अगर कट्स करते हैं तो साइड का विशेष जो है आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया बन चुका है। अब उसको साइड से पूरा पूरा ब्लॉक करना है ताकि हमारा जो चीज़ है उसके अंदर का बाहर नहीं निकले। ऐसे हम लोग और एक करेंगे, आप उसको पानी में सोक कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो
का हम लोग उसको पानी में सोक करेंगे। देख सकते हो उसको, हम देख सकते हैं उसको काफी बढ़िया बना है जो हम लोग उसको साइड कट करेंगे। साइड कट कर रहे हैं उसका। देख सकते हो हम लोगों ने 3-4 टिक्की बनाया हुआ है वैसा। और यहाँ पे हम लोग ऑयल धीमे आंच पे चल रहा है, इसको थोड़ा हम गैस को थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि वो थोड़ा हल्का गर्म हो अच्छा सा। ठीक है, अभी थोड़ा ऑयल गर्म होने के बाद हम वो उसके अंदर टिक्की डालेंगे। हमारा ऑयल काफी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। हम उसके अंदर ये जो ब्रेड का क्रूडेट्स बनाया हुआ है और चीज़ का, हम लोग उसके अंदर डालेंगे फ्राई के लिए। आप देख सकते हो आप देख सकते हो काफी अच्छा और काफी बढ़िया बना हुआ है। तो थोड़ा गोल्डन फ्राई करना है। घर में ये सब इजीली अवेलेबल होता है, तो आप लोग कभी भी इसको ट्राई कर सकते हैं जब आपको कुछ खाने का मन हो, चीज़ या ब्रेड या कुछ स्नैक्स खाने का मन होता है या, तो हम लोग ये सब ट्राई करते हैं इजीली। हार्डली आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको 15 से 20 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है घर में बनाने के लिए भी। काफ़ी बढ़िया बना है गोल्डन। हम लोग थोड़ा सा उसको प्रेजेंट करेंगे, जैसे कि हम लोग लेके प्लेट्स लेंगे। ठीक है, आप इसके साथ में मेयोनीज ले सकते हो, मेयोनीज इजीली अवेलेबल होता है, या तो आपके पास अगर अवेलेबल है टमाटो केचप यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग अभी के लिए फ़िलहाल मेयोनीज डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, हम लोग मेयोनीज जो है उसको उसके साथ में डिप करके खा सकते हैं। प्लेन मेयोनीज वेजिटेबल्स
आप देख सकते हो काफी बढ़िया बना हुआ है, और इसके ऊपर हम लोग थोड़ा गार्निश के लिए कोरिएंडर लीव डाल रहे हैं। ये हमारा डिश रेडी हुआ है। जैसे हम लोग आप देख रहे हैं कि एकदम इजी है और सिंपल है, आपको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है उसके अंदर। सब नॉर्मली इजीली अवेलेबल होता है मार्केट्स में। अमूल का ब्रेड यूज़ कर सकते हो या कोई भी ब्रेड यूज़ कर सकते हो, अमूल चीज़ यूज़ कर सकते हो उसके अंदर। इसके साथ में हम लोग अगर एक टिप है, जैसे बेसिकली हम लोग जो मेयोनीज यूज़ करें उसके साथ खाने के लिए, जैसे हम लोग अभी ट्राई करेंगे कि कितना अच्छा लगता है उसमें। आप देख सकते हो हम लोग उसको अभी कट करेंगे। कितना बढ़िया है अंदर जो आपको चीज़ दिख रहा है, काफ़ी बढ़िया है। इसका स्वाद भी काफ़ी अच्छा है, जो हल्का स्पाइसी। हम लोग इसके इसके साथ में डिप इसके टमाटो केचप यूज़ कर सकते हैं, या तो हम थोड़ा मेयोनीज यूज़ कर सकते हैं इसके साथ खाने के लिए। आप देख